नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल निफ्टी एंड स्टॉक प्रेडिक्शंस में। चलो देख लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी कल कहाँ पे कामकाज कर सकते हैं और हमने कल क्या डिस्कस किया था, और वो जो हमने प्रोबेबिलिटीज बताया था, जो एनालिसिस किया था, जो प्रेडिक्ट किया था, उस हिसाब से आज निफ्टी ने काम किया है। नहीं, हमने कल क्लियरली बताया था कि अगर निफ्टी गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के बाद वो वन वे ऊपर चला जाता है तो छोड़ देने का है, वो टारगेट में एंट्री नहीं करना है। हमारा टारगेट था 18,400 और 18,350, मैंने बोला था वो हिसाब से आज 18,350 तक आया, लेकिन जो हमने प्राइस लेवल बताया था वो प्राइस लेवल पे आने के बाद ही बाय करना है, ये हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आपको उस वीडियो से कुछ सीखना है तो जाके ज़रूर देखिए, उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देके रहूँगा। यहाँ पे देखिए, कल हमने डिस्कस किया था कि 18,220 या 18,230 के पास आने के बाद ही हमें बाय करना है, क्योंकि ये अच्छा खासा सपोर्ट दिख रहा था और ये सपोर्ट इजीली ब्रेक नहीं होगा। यहाँ पे निफ्टी ने 18,220 का लो लगाया और वहाँ से 18,280 तक, मतलब तकरीबन 60 पॉइंट का यहाँ पे मूव मिल गया। लेकिन हमारा एक्सपेक्टेड मूव था 18,350 तक, जो कि आज के दिन तो नहीं मिला, लेकिन आने वाले दिनों में मिलेगा या नहीं मिलेगा वो हम टाइम टू टाइम एनालिसिस करेंगे, और वो एनालिसिस के ऊपर ही हमारे टारगेट्स डिसाइड करेंगे। तो चलो देख लेते हैं कल के लिए निफ्टी कहाँ पे काम कर सकता है। हाँ, कल के एनालिसिस के यहाँ से जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप लाइव मार्केट में प्राइस एक्शन को पहचानना सीख गए तो आपको ट्रेड करना इजीली हो जाए। ये देखिए, एक रेंज में काम कर रहा था और ये रेंज को निफ्टी ने तकरीबन 12:30 बजे, 12:30 के आसपास ये लो को काटा, जो जहाँ पे बार बार सपोर्ट ले रहा था, और वहाँ से धीरे 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 100 पॉइंट का मूव आपको मिल गया। तो ये लाइव मार्केट में भी आपको पहचानने के लिए आना चाहिए कि कहाँ पे मोमेंट मिल सकता है और वो मोमेंट को आपको कैसे कैप्चर करना है वो सीख सकते हैं। तो चलो कल के लिए निफ्टी कहाँ पे काम कर सकते हो देख लेते हैं। अभी फर्स्ट प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं, अगर निफ्टी है, अभी यहाँ पे मैं आपको एक अच्छा पैटर्न दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये पोल बन गया और यहाँ पे एक फ्लैग बन रहा है। डाउन ट्रेंड में अगर रिवर्स पोल एंड फ्लैग बन रहा है तो देर आर हाईली चांसेस कि यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट लेगा और यहाँ पे इसको ब्रेक करेगा। जैसे ही 18,205, अगर आपको ये वापस 18,275 के ऊपर जाता है कल निफ्टी फ्लैट ओपन होने के बाद, और वापस ये लेवल को 280 को काटता है, तो यहाँ पे धीरे 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 आपको 18,200 का लेवल दिखेगा, और ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेते हुए दिखेगा। मतलब 70 to 80 पॉइंट्स का कल इजीली आपको टारगेट मिल सकता है डाउन साइड में। सेल ट्रिगर अपना कब एक्टिवेट होगा, ये ट्रेंड लाइन को जैसे ही निफ्टी काटेगा हमारा सेल साइड ट्रिगर एक्टिवेट होगा, हमारा स्टॉप लॉस एज यूजुअल 30 पॉइंट्स का रहेगा, 30 पॉइंट्स के ऊपर स्टॉप लॉस इंडेक्स में नहीं रखना है। तो ये हो गया सेल साइड का ट्रिगर। अभी हम देख लेते हैं कि बाइंग साइड में कब बैठना है। अभी मैं बाइंग साइड में आपको बताना चाहूँगा, बाइंग साइड में हमारा लेवल जो रहेगा वो लेवल आपको बताना चाहूँगा, ये लेवल रहेगा 18,320 के ऊपर ही हम बाइंग साइड में बैठेंगे। 18,320 के ऊपर ही हम बाइंग साइड में बैठेंगे, तब तक हम बाइंग साइड में प्रिफर नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे ये लेवल पे निफ्टी, या दूसरी प्रोबेबिलिटी बताता हूँ मैं, दूसरी प्रोबेबिलिटी हमने देख ली कि 18,320 के ऊपर यहाँ पे अगर क्लोजिंग मिलता है या रिटेस्ट करता है तो हमारा टारगेट रहेगा 18,400, 18,450 तक आपको टारगेट मिल सकता है एक ही दिन में। लेकिन थर्ड सिनारियो क्या हो सकता है कि अगर निफ्टी यहाँ पे आता है, ये एक पहला सिनेरियो हो गया, दूसरा हो गया, अगर निफ्टी कल यहाँ पे गैप अप, डायरेक्ट गैप अप ओपन होता है, और या 18,320 के आसपास आपका अगर कोई रिजेक्शन मिलता है और उसका कंफर्मेशन भी मिल जाता है, तो हमें कल के दिन ही 18,200 के टारगेट्स मिल सकते हैं। मतलब 100 पॉइंट का यहाँ पे सेल साइड में हमें यहाँ पे निफ्टी का टारगेट मिल सकता है। तो ये हो गए निफ्टी के जो कुछ प्रोबेबिलिटी, जो प्रेडिक्शन है हमने कर लिया। चलो बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी कहाँ पे काम कर रहा है और हमने क्या कल डिस्कस किया था। ओके, अभी अभी बैंक निफ्टी का आप देखोगे, जो हम हमारी जो ट्रेंड लाइन नीचे से बन के आ रही है, आप पिछले वीडियो भी देखिए, वो वीडियो में वो ट्रेंड लाइन ऊपर 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 आ रही है, और वहीं पे बैंक निफ्टी हर बार रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है। हमने कल जो लेवल बताया था वो लेवल था 43,350 का। अगर 43,350 अगर क्रॉस करता है बैंक निफ्टी तो हमें बाई साइड में बैठना है, और हमारा टारगेट रहेगा 43,500 और 43,600। अभी क्या हुआ, अभी आप यहाँ पे देखोगे गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पे जो हमने कल बताया था इस रेजिस्टेंस के तरह काम कर रहा है। अगर इसके ऊपर काटता है और नीचे आता है, और यहाँ पे आपको अगर कोई ग्रीन कैंडल बनती है, तो यहाँ पे आपकी बाइंग लेवल बनती है
43,500, और सेकंड टारगेट हमने ज़्यादा कुछ नहीं 43,600 तक हमने लेवल्स और मैक्स टू मैक्स 44,000 के भी डिस्कस किए थे, लेकिन यहाँ पे हमें 44,000 का टारगेट नहीं मिला, लेकिन 43,500 तक बैंक निफ्टी ने यहाँ पे इजीली टारगेट दे दिए। अभी कल के लिए देख लेते हैं, कल के लिए क्या हो सकता है। कल के लिए हमें देखना है, अभी यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट काम कर रहा है, आपको बताना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छा सपोर्ट के लिए काम कर रहा है, लेकिन आज बैंक निफ्टी ने यहाँ के नीचे ही क्लोजिंग दे दिया, डे लो के आसपास ही। मतलब बैंक निफ्टी वीक है, बैंक निफ्टी में जैसे मैंने बोला था कि डे चार्ट में आपको देखे लेके चलता हूँ, ये बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस काम करेगा ये जो ऊपर का है, और वहीं से अभी बैंक निफ्टी रिवर्स आते हुए देख रहा है। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कल के लिए क्या टारगेट्स निकल आते हैं। पहले पहला सिनेरियो देखते हैं इसमें, बैंक निफ्टी में अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होती है, अगर पहले 15 मिनट कैंडल का लो काटता है, तो हमारे जो टारगेट्स है हमने जो बताए थे वो इजीली कल मिल सकते हैं। हमारा जो टारगेट रहेगा वो कल का टारगेट रहेगा ही हमारा 42,700 तक हमें टारगेट्स दिख सकते हैं। अगर 43,000 लेवल ये ब्रेक करता है तो 400 पॉइंट्स आपको डाउन साइड में इजीली मिल जाएंगे। और अप साइड में देखते हैं, अप साइड में हमें देखना है कि कौन से लेवल पे बाय के लिए बैठ सकते हैं। अप साइड में मैं बताना चाहूँगा कि बैंक निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो हमारा जो लेवल रहेगा, ये लेवल है वो वही बोल रहा हूँ मैं, 43,350 के ऊपर ही बाय में बैठना है वापस। और वो जो टारगेट रहेंगे कल के लिए वही वापस हमारा टारगेट रहेंगे 43,500, और 700 तक हमें टारगेट मिल सकता है। तो ठीक है दोस्तों, कल के लिए हमने देख लिया है निफ्टी और बैंक निफ्टी का, लेवल्स भी मैंने बता दिया है, तो उस हिसाब से अपना भी कुछ एनालिसिस करो, उसमें थोड़ा मिर्च मसाला डालो और उसके बाद ये ट्रेड एग्जीक्यूट करो। अगर दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।